हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये ग्रीन शिमरी आई शेडो मेकअप लुक। ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था खास तौर से सावन की पूजा के लिए। तो अगर आप नई नवेली ब्राइड हैं तो आप इस लुक को ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एज अ वेडिंग गेस्ट भी इस लुक को कैरी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यूज़ किया है एल्प्स गुडनेस का वीट जर्म मॉइस्चराइजर। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। इस मॉइस्चराइजर को मैं अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन लोशन। आप घर से बाहर हो या घर पर हो, आपको सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करने के लगभग 5 मिनट के बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, ताकि मेरा मेकअप देर तक टिका रहे। इसके बाद मैं अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। गर्मियों में मुझे हैवी फाउंडेशन अप्लाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी बीबी या सीसी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। गर्मियों में मुझे मेकअप की लेयर्स अप्लाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अपने अंडर आइज को ब्राइटन अप करने के लिए मैं लूज पाउडर से अपने फेस को बेक कर लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए इसके हाल पर छोड़ दूँगी। थोड़ा सा लूज पाउडर मैं अपनी आईलिड्स पर भी अप्लाई कर लूँगी, और अब आई मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी फेवरेट मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल। आप अपनी पसंद का कोई भी आईब्रो पाउडर या डार्क आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये ब्राइट पिंक आई शेडो ले लूँगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश के ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ले लूँगी और इसे अगेन अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लूँगी इस डार्क शेड को डिफ्यूज़ करने के लिए। इसके बाद मैं ये डार्क ग्रीन आई शेडो ले लूँगी और इसे अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस कर दूँगी और वहीं पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद एक फ्लैट ब्रश पर मैंने थोड़ा सा कंसीलर ले लिया है, और अब मैं ये कंसीलर अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी और एक हाफ कट क्रीज क्रिएट कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने कंसीलर के ऊपर लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा कंसीलर सेट हो जाए और दूसरे कलर्स के साथ मिक्स ना हो। इसके बाद स्विस ब्यूटी के 8 मूव्स आई शेडो पैलेट में से मैं ये वाला ग्रीन आई शेडो अपनी फिंगर के ऊपर ले लूँगी और इसे अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड के सेंटर में अप्लाई कर लूँगी। साथ ही साथ इसे अपने ग्रीन आई शेडो के साथ भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं गोल्डन येलो आई शेडो ले लूँगी और इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लूँगी। साथ ही इसे अपने मिडल वाले आई शेडो के साथ ब्लेंड कर लूँगी। एक क्लीन ब्रश के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लेके मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना रहे। गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और मेरा लिक्विड आईलाइनर हमेशा स्मज कर जाता है, तो आईलाइनर की जगह मैं अप्लाई कर रही हूँ NYBA का काजल। इसे स्मज प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो। आप चाहें तो आप वाटरप्रूफ आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कर ली है फॉल्स आईलैशेस, और अब मैं अपने फेस पर से सारा एक्सेस पाउडर रिमूव कर दूंगी और इसी से अपने मेकअप को सेट कर लूंगी। इसके बाद अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए मैं अपने चेहरे पर थोड़ा सा ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट। इसकी हेल्प से मैं अपने फेस की पाउडर कॉन्टोरिंग कर लूँगी। स्माइल करते हुए मैं अपने चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ पिंक ब्लशर। इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश के ऊपर डार्क ग्रीन आई शेडो ले लूँगी और इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर हाफ वे तक ब्लेंड कर लूँगी।
इसके बाद जो आई शेडो मैंने अपनी आईलिड के सेंटर में अप्लाई किया था, सेम ऑर्डर में मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं सेम येलो आई शेडो अपने इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लूँगी, सेम ऑर्डर में जैसे मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई किया था। इसके बाद मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी वाइट काजल। इसके बाद मैं अपनी लोअर आई लैशेस पर अप्लाई कर रही हूँ वाटर प्रूफ मस्कारा। इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर। ये बहुत ही ज़्यादा सटल लुक देता है और बहुत नेचुरल लगता है। मैंने अपने लिप्स की आउटलाइन बना ली है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर बार की वेलवेट मैट लिपस्टिक। इसका शेड नेम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। और लास्ट में गुड वाइब्स के फेस टोनर से मैं अपने मेकअप को सेट कर लूंगी। एंड दिस इज द फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा आज का ये लुक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।